हेलो एवरीवन, केओपी वाई एस्पिरेंट्स, कैसे हो सभी लोग। सो यार, आपके जो एग्जामिनेशन है केओपी वाई 2021 सेशन के जो एग्जाम थे ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सबसे पहले जो आप लोग अपना रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको जो है फिजिक्स का पेपर कैसा लगा था और बायोलॉजी का पेपर कैसा लगा था, केमिस्ट्री का कैसा लगा था और मैथमेटिक्स का कैसा लगा था, आपका क्या कितने नंबर आ रहे हैं आपके, क्या सर आपका रिएक्शन है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अब आज अपन बात करते हैं कि आपको बेसिकली इन फ्यूचर क्या एक्शन होना चाहिए। अगर जो बच्चे एस ए ब्रांच से थे तो इन फ्यूचर उनको क्या करना चाहिए, जो बच्चे ट्वेल्थ वाले थे सो उनको जो है IASC के अंदर, आईसर के अंदर और KUPY के और क्या मेजर बेनिफिट्स हैं और आपको KUPY की स्कॉलरशिप मिलेगी कहाँ पे, कैसे क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे वीडियोज आ रहे होंगे। सो आई होप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, KUPY से रिलेटेड ऑल A to Z इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि भैया क्या KUPY JEE से टफ होता है क्या, या फिर JEE के लेवल का होता है, क्या सारा सीन है। सो यार, KUPY आप मान सकते हो दिस इज एन स्कॉलरशिप टेस्ट और स्कॉलरशिप के अंदर कंपटीशन तो होना चाहिए एंड दिस इज कंडक्टेड बाय IASC बेंगलोर। ओके, सो जस्ट आप मान सकते हो कि JEE के लेवल का ही होता है, ठीक है, टफ वगैरह आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि भैया पेपर कैसा था इस बार का एस ए ब्रांच का, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, डिसीजन जस्ट लाइक हमेशा की तरह ही जो भी हर साल होता है, राइट। एंड मेजरली जो इस बार है आई थिंक आपका जो है इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला, लेकिन जो बच्चे भी 11th में थे और एस ए ब्रांच दिया है और उनके जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट जस्ट 65 या फिर 55 से कम है, राइट, और सो उन इन फ्यूचर उनको क्या करना चाहिए। एंड जिनके मार्क्स एटलीस्ट 55 या फिर 75 तक जा रहे हैं तो उनका क्या सीन होना चाहिए, और जो है IASC का कट ऑफ कितना रहने वाला है, एंड जो हमारा जो आईसर्स के होते हैं आईसर का जो काउंसलिंग होता है तो उसमें क्या सीन होने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। सर उसका जो है एक वीडियो जल्द ही अवेलेबल होने वाला है फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पे, तो जस्ट उसको सब्सक्राइब करके रखो। एंड जिस प्रकार से मैंने स्टूडेंट्स से रिव्यूज लिए हैं, ठीक है, कंसल्ट की है, सो ASX जो भी है, ये जो भी तुम्हारा स्ट्रीम बच गया, इसका क्या सीन है भैया, क्या पेपर टफ था टफ नहीं था, तो यार जनरली मैं बता दूँ कि थोड़ा सा लेंथी बचा रहे हैं बच्चे कि भैया इतना सा टफ था हमेशा की तरह, जस्ट लाइक पिछले बार जो हमने पेपर दिया था उसके जैसा नहीं था। तो यार जस्ट जो है इसका ऑफिशियल अपडेट जस्ट जैसे ही तुम्हारा ऑफिशियल आता है, ठीक है, रिजल्ट वगैरह आने वाला है, आई थिंक अगले वीक तक आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो एंड पता चल जाएगा कि पिछले साल से टफ था या इजी था, राइट। एंड जस्ट थोड़ा सा वेट करिए। और यार जस्ट जो है आपको जो भी बच्चे एस ए ब्रांच से थे तो जस्ट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है बेसिकली कि तुमको आईसर में जाना है, IASC में जाना है, रिसर्च में कुछ करना है, देश को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, या फिर रिसर्च टेक्नोलॉजी में कुछ अगर बड़ा करना चाहते हो, देन यू कैन मस्ट अप्लाई KUPY फर्दर। KUPY की आप फर्दर फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, यार थोड़ा सा गैप ले सकते हो। एंड ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन जो 12th वाले थे एक्सेप्टेड देन CBSE, सारे के सारे ऑलमोस्ट स्टेट के अभी ख़त्म हो चुके हैं, मई का महीना एंड मोमेंट पे है, जून का महीना आ चुका है, जून के महीने के अंदर बहुत सारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो जस्ट आप जो है KUPY की कोचिंग भी ले सकते हैं, तो नीचे मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ एंड आप अगर इंटरेस्टेड है देन यू कैन ज्वाइन नाउ KUPY कोचिंग फ्रॉम द टॉप IITians एंड IASC बेंगलोर स्टूडेंट्स एंड एक्सपीरियंस टीचर फ्रॉम द IITs NITs, वो आप प्रोवाइड द कोचिंग प्रोग्राम फॉर द IASC, सो यू कैन मस्ट अप्लाई इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और इसका कोई बहुत ज़्यादा प्राइजेज नहीं रहेगा, ठीक है गाइस। एंड यार आई होप आपको जस्ट कुछ हेल्प करेगा ये, तो जस्ट खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, और जस्ट इसके जो मेजर जो बेनिफिट्स हैं वो जल्दी YouTube पे आपके आ जाएंगे, और क्या क्या कट ऑफ रहने वाला है। एंड यार बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आप 55 स्कोर अच्छा मान सकते हो, 55%, एंड बेसिकली आपका
अच्छा रहे, यही मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और यार फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर कि क्या सीन रहा है आपका KUPY का, क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया और उससे कितने क्वेश्चन तुमने जस्ट चेक किया कि सही है कि गलत है। तो जस्ट ये जो है मेजर थोड़ा सा मुझे बताना जरूर कमेंट में, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि कैसा आपका पेपर गया है कैसा नहीं गया है। ठीक है, थैंक यू।